कर दे जगत जग को प्यार करने योग्य बच्चे सीता और सावित्री भूमि पर पड़ने वाली हमारी मां शक्ति आज भागवत को चलते हुए छठवां दिवस है। आज भगवान की बाल लीला हमारे आचार्य जी के मुखारविंद से आप लोग सुन रहे थे। आचार्य जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान आप सुन रहे थे। मुखारविंद से भागवत में जिस जगह पर भागवत होती है सत्संग होता है कीर्तन होता है भजन होता है हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण जो उपस्थिति में बैठे हुए हैं और हमारी जनता जनार्दन ग्राम डाड़ा पावन गांव में ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। हनुमान जी की मठिया पर ब्रह्मदेव के स्थान पर। लेकिन भाइयों ये सब प्रभु की कृपा है क्योंकि बहुत बड़ी अदालत है भगवान की, उसकी अदालत से कोई भी नहीं बच पाया है। भक्तों
बताया है। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज श्रीमद् भागवत का ये छठवां दिवस है और हमारी दुर्दशा से सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है, शेष कल की भागवत और है, जहां तक आवाज जाती हो सभी लोग आए, और ये सामूहिक भागवत है, किसी एक की भागवत नहीं है, और ब्रह्मदेव के स्थान पर बैठी है ये भी सभी लोगों के हैं, तो आप जितना भी समय मिले एक घड़ी आदि में पुण्याद जितना भी समय भगवान के दरबार में मिल जाए उतना काफी है। आप लोग आए और इस भव्य दरबार में इधर क्या हुआ है, भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं अभी आचार्य जी के मुखारविंद से सुन रहे थे, लेकिन भाइयों इधर क्या हुआ है, भोजराज कंस ने जितने भी राक्षस भेजे कोई भी वापस नहीं पहुंचा, कासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, त्रिड़ावित को भेजा, पूतना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, जितने भी राक्षस गए हैं कोई भी वापस नहीं आया, और किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया कैसा है कैसा नहीं है, काला है गोरा है मोटा है पतला है कैसा है, किसी ने कुछ नहीं बताया है भक्तों। लेकिन भाइयों कंस दिन प्रतिदिन, भोजराज कंस दिन प्रतिदिन ये सोचने लगा है, कृष्ण और बलराम ने जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से मुझे खाना पीना नींद हराम हो चुकी है, अब भला मेरा कैसे काम चलेगा। तो भाइयों जिस किसी भी बहादुर को भेजता है कोई भी बहादुर वापस लौट के नहीं आता है, लेकिन ये भी जानते हो कि जो इंसान अति पाप करता है और पापियों की जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो भगवान को आने में थोड़ा समय लगता है। कंस कहने लगा, मैंने पूतना को भेजा, कासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, त्रिड़ावित को भेजा, सक्टासुर को भेजा, केसी को भेजा, कोई भी वापस नहीं आया, कन्हैया काला है मोटा है पतला है कैसा नहीं। भाइयों भागवत के सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं, 88,000 महात्माओं के बीच में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी कथा को श्रवण करा रहे हैं और कंस का सितारा दिन प्रतिदिन मंद पड़ता जाता है, सोच बढ़ता जाता है, अब मैं क्या करूं, जब से ये कन्हैया और बलराम हुए हैं तब से मुझे नींद हराम है, क्योंकि भोजन भी अच्छा नहीं लगता है पानी भी अच्छा नहीं लगता है, अब मैं कैसे। और जब के भोजराज कंस के पास बहुत बहुत बड़े पीलवान थे, बड़े बड़े पीलवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ताकतवर, लेकिन किसी ने ये नहीं क्या है कन्हैया मेरा है तो है कैसा। लेकिन भाइयों भगवान कन्हैया ने अपनी बाल लीलाओं को दर्शाया है, धीरे धीरे एक दिन का चित्र है, भगवान कन्हैया ने सभी ग्वालों से कहा है कि आज फल यार तुम भूला और तुम फूला
के जग तेरी सूरत मसी कन्हैया कब तुम सूरत मेरे भागवत प्रेमियों, इस तरीके से भोजराज कंस और नारद का वार्तालाप हो रहा है। कैसे हो रहा है भाइयों? कभी कल्पना कर रहा है, जिस समय नारद जी कहने लगे भोजराज कंस, इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों? नारद जी कहने लगे कंसराज, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है, क्या कारण है? लेकिन भाइयों, नारद जी से कंस कहने लगा है, बाबा जी जिस दिन से इन बच्चों ने जन्म लिया है उस दिन से मुझे नींद हराम है। नारद जी कहने लगे के ओ कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? कंसराज ये दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है बसंत के खिलन को हर कली सुगड़ती जाती है। भीतर से कछुओ घुमाओ औ पैद पैदावा कराई डालो, अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, अच्छे हकीम को बुलाओ, जिससे अपनी मर्ज को दिखवाओ, अगर कोई बीमारी है तो। कंस कहने लगा, बाबा जी मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक ही बीमारी है कि बाबा नंद के दो छोरे हैं कृष्ण और बलराम, जिस दिन से इन बच्चों ने जन्म लिया है उस दिन से मुझे जीना हराम है, अब कैसे क्या करूं हूं? तो भाइयों, आपने तो नंद का नाम सुना है? बोले हाँ, नंद तो बड़े पैसे वाले हैं, उन्हीं के दो छोरे हैं कृष्ण और बलराम। अब वो गोकुल को छोड़ गया है, के वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया, देखो बाहिर की बुद्धी को जने वृंदावन आबाद किया। मेरे भाइयों, उस अहिर की बुद्धि को देखो जिसने वृंदावन को आबाद कर दिया है। पहले भाइयों ये तुलसी का वन था और अब वृंदावन हो गया है, तो वृंदावन में साक्षात रूप से आज
यही कुत्ता एक भगवान कन्हैया ने अभी जन्म लिया है, ज्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन भाइयों इधर क्या हुआ है, कंस कहने लगा है उतनी उनकी पत्नी यशोदा दूध दही माखन बेच बेच करके मथुरा में बहुत बड़ा सिस्टम बना लिया है। अब आज बाबा नंद सबसे बड़ा रईस है, यादवों का मसीहा है, और मैं यादवों का मसीहा होकर के भी मैं दिन प्रतिदिन बहुत दुखी हो रही हूँ। अब मेरा समय व्यतीत कैसे हो, इधर क्या हुआ है। कंस नारद जी से कहने लगा, बाबा जी अब कैसे क्या हो। ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब है, गाय को चराने वाला, माखन को लूटने वाला, लड़कियों के साथ में बंसी को बजाने वाला भला उसे तुम डर गए। तो तुम जरा से बालकों से डर गए कंस, इतने भयभीत हो गए तो तुम कैसे बच सकते हो। मेरे भागवत प्रेमियों इधर क्या हुआ है, बन बन में गायों को चराने वाला, माखन को चुराने वाला, लड़कियों के साथ में लीलाओं को रचाने वाला भला उससे आप डर गए हो, तो कैसे क्या होगा। क्या बताऊं बाबा जी, अब तो जीना हराम है, मैं क्या करूं, कैसे रहूं। नारद जी कहने लगे हैं, तुम जरा से बालकों पर जो घबरा गए हो ये तुच्छ हैं। क्या मैं तुमको एक बात बताऊं, एक चिट्ठी लिखो, किनके लिए, बाबा नंद के लिए, और उस चिट्ठी में लिख दो, बाबा नंद साय 12 बजे अगर तू छपरियां कमल के फूल लेके उतरत न हुए तो सारे बिरादरियों को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भाइयों जैसे ये कहा है, दो छपरियां कमल के फूल लेके मेरी कचहरी में हाजिर किया जाए, अगर हाजिर न किया गया जितने अहीर यादव सब उनको जेल में डलवा दोगे तो तुम्हारा बंदिश दूर हो जाएगा। लेकिन भाइयों कंस जैसा इलाज कर रहा है तैसी बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही। मेरे भाइयों इधर क्या हुआ है, कभी कल्पना कर रहा है बताया है कभी विनीत जी कहते हैं कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते आन पर जाने को दे उसे हीर कहते आप जरा से बालकों से मत डरो, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान को दे दे उसी को अहीर, घबराने की कोई बात नहीं है। परीक्षित जी परीक्षित जी
अरे शांत रहो, नीटू तुम सब लोग शांत नहीं हो, शांत हो जाओ। क्रोध की जगह क्रोध किया जाता है, यहाँ पे मत करो, शांत रहो, शाम को बात होगी। चलो कछुआ शांत, शाम को बात, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भागवत हो रही, राजनीति की बात ना। इन लोगों से कोई बात मत करो, तो अपनी अलग करो। हाँ बस शांत रहो, बोलिए भक्त और भगवान की। देखिए परीक्षित जी के पास न बैठे, शांति से अपना काम करें। इधर क्या हुआ है, जैसे ये पत्र दिया है, पत्र जैसे ही बाबा नंद ने पढ़ा और उस पत्र में लिखा बाबा नंद साय 12 बजे दो छपरियां कमल के फूल लेके अगर कचहरी में हाजिर नहीं हुए तो सारे बिरादरियों को जेल में डाल दिया जाएगा, मैया कहीं बंदी होगी, बाबा कहीं बंदे होंगे, कन्हैया कहीं बंदे होंगे, बलराम कहीं बंदे होंगे। लेकिन भाइयों, जैसे ये बात सुनी है, जो फूल तोड़ के लाएगा वो काल के गाल में जाएगा, क्योंकि वहां पर कालिया नांग रहता है और दो छपरिया के फूल कोई लेके नहीं आ पाएगा। लेकिन भाइयों हुआ क्या, इधर दो छपरिया कमल के फूल की जब धमकी दी है और कन्हैया तो अंतर्यामी है, भी तो हर चीज को जानते हैं। लेकिन भाइयों बाबा नंद रोने लगे हैं जैसे उस पत्र को पढ़ा है, अरे खोली पड़ी बाबा ने देखो पाती, अरे खोल पड़ी बाबा और रोई रोई की गिरा रे प्यारी, भागवत प्रेमियों, जैसे ये बात पत्र को पढ़ा है बाबा नंद ने, बाबा नंद की बुरी हालत हो गई है,
बाबा आनंद कहने लगे हैं, जिस दिन से मेरे कन्हैया और बलराम ने जन्म लिया है उस दिन से इस पापी कंस ने सुख से नहीं सोने दिया है। हमारे सम्मानी नुकुल दादाजी हमारे मंच से आ जाएं। तो इधर क्या हुआ है, बताया है जैसे ही पत्र को पढ़ा है बाबा नंद रोने लगे हैं और रोते हुए बाबा नंद मैया अपनी प्राणन प्यारी यशोदा के पास पहुंचे हैं। बाबा के नेत्र में आंसू देखा है, क्या कारण है नाथ, क्यों रो रहे हो, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, क्या किसी ने सता दिया है? नहीं प्यारी, अगर मैंने अपना दर्द तुझे बता दिया तो जिस तरीके से मैं रो रहा हूं उसी तरीके से तुम भी रोगी प्यारी। लेकिन भाइयों हुआ क्या, इधर बाबा नंद कहने लगे हैं, यशोदा बाल हट और त्रिया हट से पेस नहीं जाती है, यशोदा ये हमारे सम्मानी निकुल दादाजी की तरफ से, मुनीम जी की तरफ से, ग्राम सेकूपुर पोस्ट करें जिला मैनपुरी की तरफ से, एक से एक रुपया से जो हमारा सम्मान किया इसी मंच पर, वो हमारे ये बहुत ही शुभ चिंतक हैं और हमारी कहीं भी कथा हो या राष्ट्रीय का प्रोग्राम हो तो हमारे निकुल यादव जी हमारे दादाजी कहीं भी हों तो सुनने जरूर जाएंगे चाहे कितना भी समय दें। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, आज बाबा नंद कहने लगे, प्यारी मैंने अपना दर्द तुम्हें बता दिया जिस तरीके से मैं रो रहा हूं आप भी रोगी, ये दर्द कहना ठीक नहीं है। तो यशोदा कहने लगी, नहीं स्वामी बताओ क्या कारण है, तो बताया है भाइयों, अरे प्राणन प्यारी कंस निकाली रहते फूल मगाए, और नहीं मान रही हो तो सुनो, बाकी धमकी सुन के नारी रे, बाकी धमकी सुन के नारी रे प्राण घबराए, नारी फूल को करियो तुम तैयार और सभी यादव को अब दिए दुश्मन के लगन, अब तो जेल आ
भागवत प्रेमियों, इस तरीके से आज मैया यशोदा कहने लगी है बाबा नंद, रोने से कुछ नहीं होगा बाबा, क्योंकि रोने से और ज्यादा सोचने से कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है। लेकिन भाइयों, कभी कल्पना कर रहा है, आज जैसे ही बाबा नंद के शब्द सुने हैं यशोदा ने, यशोदा भी रोने लगी है और कहने लगी मैं क्या करूं, मेरे कन्हैया ने जब से जन्म लियो है तब से पापी कंस ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, इधर क्या हुआ है। तब तक भगवान कन्हैया आंगन में आ जाते हैं अपनी माँ से, सभी लोग बोलेंगे के मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, सभी लोग तालियां बजाएं, भगवान कन्हैया माखन रोटी मांग रहे हैं। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, माँ रोने की जब कोई बात है नहीं है माँ, क्यों घबरा रही हो, क्या कारण है। मैया यशोदा कहने लगी लाल ये अंतिम दिन माखन मिश्री का है, इसे खाओ, क्यों कब कब भेंट हो लला जा की किसी को पता नहीं है, ये अंतिम दिन माखन मिश्री का है। लेकिन भाइयों
कि वो पत्थर टूट जाए जो माखन और मिश्री छूट जाए, वो घटिया कौन सी है माँ जो दुनिया में सनसनी छूट जाए, क्या कारण है इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। आज मैया यशोदा भोजन करा रही है और रोती हुई मैया क्या बोली है, लाल ये अंतिम दिन माखन मिश्री का है। भगवान कन्हैया क्रोध में आए हैं, माँ अरे ऐसी किसकी ताकत है जो माखन और मिश्री छूट जाए। और बाबा नंद कहीं बदे होंगे, मैया यशोदा कहीं बदी होंगी, कहीं हम बदे होंगे, ऐसे कौन से छत्री ने दूत दिया, माँ तुझे मालूम नहीं है। अरे भैया मारे कलाक तो साथी कोसी उड़ी जाएगा और मेरे कतमाते में वो नीच न उठने पाएगा। उस कंस की औकात क्या माँ, मैया मारे ये कला कथो पानी को चल जाएगा। हे माँ क्यों घबरा रही हो, के भैया मारे एक लाख तो सात कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। माँ घबराने की कोई बात नहीं है, न रोने की कोई बात है, मुझे माखन मिश्री दे, भगवान कन्हैया को माखन मिश्री दिया है। भोजन करने के बाद आज कन्हैया ने दामाद संकीन मदन बलवीर सभी ग्वालों को बुलाया और अपनी मैया को शांत करके आगे बढ़े हैं। और कन्हैया के ये दिल में बात खटक गई है कि दो छपरियां कमल के फूल लेकर के भोजराज कंस की सभा में प्रवेश करूंगा, जो कि यादवों को धमकी दे रहा है। और लेकिन उसे ये नहीं पता है यादवों के लिए सच्चा गृह मंदिर है, जेल नहीं है, ये सच्चा गृह मंदिर है। और उस गृह मंदिर में मैंने जन्म लिया है, मेरे को किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। आज सभी बुलाया है ग्वालों को, दामा संकीन मदन बलवीर छदामी सभी ग्वाला भगवान कन्हैया के आने पर। और एक गेंद का खेल कैसे काली देह पर खिलता है भक्तों। लेकिन भाइयों गेंद का खेल जब कन्हैया ने सभी ग्वालों से अनुमति ली है और कहा है सभी लोग हमारे साथ चलो, लेकिन भाइयों आज भगवान कन्हैया दामा संकीन मधुन बलवीर छदामी, लेकिन भाइयों गेंद का खेल गेंद बनाई है तो टिंकू जी किसकी गेंद थी, किसने बनाई थी, बनाई थी हमने देखो कह रहे माइक में दे दे।
तो इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है। लेकिन भाइयों, तामा संकीन मदन बलबीर सभी ग्वाला और जैसे ही गेंद लई है, और गेंद दामा बहुत ही हसोड़ा था। लेकिन भाइयों, संकीन बलबीर छदामी सब ग्वाल तो दामा गुनगुनाता हुआ चला है कि मेरी माँ ने बहुत सुंदर गेंद बनाई है, चलो आज खेलने के लिए चलेंगे। बताया है कि मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेलेंगे। सुंदर गीत सवाई है, चलो खेलिए।
इस तरीके से दामा संकीन मदन बलबीर सत्यादि सभी ग्वाला चले हैं। आज काली देह पर दामा के बना के जब चला है, लेकिन भाइयों इधर मंच का भी बहुत हसोड़ा था, चले हैं सभी ग्वाल गेंद लेके और काली देह पर गेंद का खेल शुरू हो गया। और जैसे ही गेंद का खेल शुरू हुआ और गेंद सभी ग्वाल वाल आपस में खेलने लगे, लो गेंद कभी कन्हैया पर गेंद पहुंच जाए तो कभी तामा पर, कभी मनसुखा पर, कभी छदामी पर, कभी बलराम पर, आपस में खेल रहे हैं। लेकिन भाइयों इसी बीच में 100 रुपए आए हैं राजेश कुमार डांडा। राजेश कुमार और राहुल कुमार ग्राम डांडा की तरफ से ये इसी मंच पर जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, 100 रुपए दे के भगवान सुख शांति देव दौलत से भंडार भरता रहे। इधर क्या हुआ है, आज भगवान का नया खेल खेलने लगे हैं, लो गेंद कभी दामा को, कभी छदामी को, कभी बलराम को, आपस में जब गेंद खेलने लगे हैं, लो गेंद और जैसे ही गेंद का नंबर आया है, जो ही टोल मारी है गेंद में तो गेंद सीधी काली देह में गिर जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की। पहले तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे, हटाओ। इधर क्या हुआ है, ये बड़ लोगों की व्यवस्था होती है, पानी पिलाना, व्यवस्था देखना। देखो व्यवस्था बेटा, जैसे ही मेरे भागवत प्रेमियों काली देह में जब गेंद गई है, सभी भगवान कन्हैया इधर, सभी आज दामा और कन्हैया बलराम कृष्ण सभी लोग बड़े अच्छी तरह से, लेकिन जब गेंद गई है तो दामा ने पीतंबर को पकड़ लिया है, कन्हैया मेरी गेंद दे दो, श्याम मेरी गेंद दे दो। लेकिन भाइयों गेंद जब किसी के पास में नहीं है तो वापस कैसे होती। लेकिन भाइयों कन्हैया ने सुना है, हर चीज देख रहे हैं, गले बांध को पकड़ लिया है। दामा ने कहा मेरी वही गेंद दो जो मेरी माँ ने बनाई थी। भगवान कन्हैया कहने लगे तुझे वही गेंद दूंगा, वही गेंद दूंगा, चाहे तेरी अंबर से लेके आने पड़े, लेकिन तेरी गेंद तुझको वापस करूंगा। कन्हैया कहने लगे मेरी कमर को छोड़ दे, हो दामा मेरी कमर को छोड़ दे, वरना मेरी लाठी हिलती है, अगर एक तमाचा लग बैठा तो खत्म हो दमदारी है। इधर क्या हुआ है मेरे भक्तों, कभी कह रहे हैं इधर भगवान कन्हैया काली देह में प्रवेश हो जाते हैं तो मैया यशोदा चिल्ला के रोने लगी हैं, अरे दामा तूने अच्छा नहीं किया है, तूने तीनों लोगों के स्वामी को खो दिया है, इसमें काली देह में कालिया रहता है और वो वक्षण कर जाएगा। क्यों, ऊपर जितने भी पशु पक्षी जाते हैं सब जहर से झुंझला कर इसमें गिर मारी, और मेरे छैया पा गए। अरे नंद की छाती पीट रही मेरे कुमार कन्हैया था,
छाती पीट रही मेरे तुम्हारे कन्हैया कहाँ गए। आज के जसोदा रोय के कही कैसे बांधू धीर, श्याम नीर में छिप गयो तो मेरो श्याम शरीर। अब मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा, मैया रो रो के कहने लगी अब मेरा श्याम वापस नहीं आएगा, तो मेरे भागवत प्रेमियों हुआ क्या। तो बलराम मैया को समझाने लगे महा रोने से कुछ नहीं होगा। मैया कहने लगी अब मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा, अब मेरा श्याम वापस नहीं आएगा। अरे नरही आया बतारी है हम दोनों तरे भिखारी में, इधर भगवान कन्हैया अपनी माँ यशोदा को बलराम जी समझा रहे हैं माँ रोने से कुछ नहीं होगा। कन्हैया अवतारी है तीनों लोकों के स्वामी, उन्हें कोई मार नहीं सकता है, माँ क्यों घबरा रही हो। मैया कहने लगी है लाल जिस दिन से कन्हैया मेरा वापस नहीं आएगा मुझे पूर्ण विश्वास है। इधर भगवान कन्हैया काली घर के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कालिया सो रहा है। मेरे भागवत प्रेमियों भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं जहां पर कालिया सो रहा है, और जैसे ही कालिया सो रहा है नागिनियों ने देखा अरे बहन जितने सुंदर लला, कितो सुंदर लला है, कितनी सुंदर इसकी सूरती है, कितनी सुंदर मूर्ति है, और इसके नेत्र कितने निराले हैं। कहा जा रहे हैं इधर क्या हुआ है, क्या खेल निराले हैं। लेकिन भाइयों हुआ क्या, इधर भगवान कन्हैया कहने लगे हैं नागिनियों
तू जिनकी रागनी सुना रही है, जिनकी कथा सुना रही है, जिसका प्रसंग सुना रही है, अरे मैं उसी से मिलने के लिए आए हैं। और तुझे इतनी शक्ति है तो जगा अपने पति को, तेरे पति से अभी और इसी टाइम बात करनी है। लेकिन भाइयों भगवान अरे जगा तनिक अपने पति को और बात उसी से करना है। अरे हमारे लिए कोई अब आए ही तो पति से अभी और सीता मिलने के लिए आए जगा। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों? भगवान कन्हैया कहने लगे, तू जिसकी रागनी सुना रही है, जगा तनिक अपने पति को, बात उसी से करना है। अरे मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या, मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरी मौत हो जाए अभी और इसी टाइम। लेकिन भाइयों आगे भगवान कन्हैया बड़े हैं, और भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ के हर नाग की पूछ को लो दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्ना। जैसे ही सर्प आगे बढ़ा है, भगवान कन्हैया ने जरा भी देर नहीं की है, मुरलीधर ने और उस काली नाग बताया है भक्तों के फन फन करके अब धुन बोला, फन फन करके फन धुन करके तो मन मोहन से चिपच गया, हन हन के फन मारता हुआ तो मन मोहन से भाई।
पलटा आओ है। मेरे भागवत प्रेमी उधर क्या हुआ है? कि भेंट दे दो भगवान कन्हैया, कहने ले नहीं, दो छपरिया कमल के फूल लेके आओ। दो छपरिया कमल के फूल लिए हैं भगवान कन्हैया। कहने लगे आज से तुम इस काली देह में नहीं रहोगे। बोले तो कहाँ रहेंगे? भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारे फन पर मैं नचते हुए चलेंगे। तुम्हें तुमको गरुड़ वच्छर नहीं करेगा। भगवान कन्हैया बंसी को बजाते हुए आगे आए हैं।